गुजरात छोड़ के आए हैं अपना पंचायत का विकास करने के लिए। गुजरात नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसर, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की तारीखों के ऐलान होने के बाद कई अब प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं, चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं खगड़िया जिले में होने वाले दूसरे चरण से लेकर 10वें चरण तक मतदान को लेकर। दूसरे चरण में होने वाले मतदान जो कि 29 सितंबर को होने हैं, उसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। परबत्ता प्रखंड के लगार पंचायत से पहली बार किस्मत आजमाने जा रही रूपम देवी की मैं बात करूं। रूपम देवी की पति हैं चंदन कुमार, जो कि गुजरात में रहकर लंबे कारोबार करते हैं और इस बार लगार पंचायत से पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। अब जनता उन पर भरोसा करती है या नहीं वो आने वाले कल में देखा जाएगा, लेकिन चंदन की माने तो वो ना किसी पद पर रहते हुए भी समाज में लाइटिंग की व्यवस्था हो या फिर युवाओं के हक और हकूक की बात हो या सामाजिक सरोकार की बातें हो, उन तमाम चीज़ों में हमेशा आम जनता के साथ खड़े रहते नजर आते हैं उनकी माने। लेकिन जब हमने उनके पत्नी यानी कि रूपम देवी जो कि मुख्य तौर पर उन्होंने दावेदारी दी है, जब हमने उनसे बातचीत की है कि आखिरकार लगार की जनता आपको वोट क्यों दे और आपके क्या एजेंडे हैं, इन तमाम सवालों पर रूपम देवी ने क्या कुछ कहा है जरा आप सुन लीजिए। किस पद को लेकर आपने दावेदारी दी है? कौन सा पंचायत? लगार पंचायत से। अच्छा, एक बात बताइए कि लगार पंचायत की जनता आपको क्यों वोट करे, आप किन एजेंडों के साथ जनता के बीच जा रही हैं? अभी तक तो लगार पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है, खास करके चकपैया में तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। और हम अभी जो मुखिया पद बनेंगे तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पहले से भी करते आ रहे हैं और करेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या करेंगे खास करके? महिला के लिए हम मशीन रूपम देवी जिंदाबाद। सर, हमारे लगार पंचायत में कुछ भी काम नहीं हुआ है, चंदन लग गया लेकिन पानी आता नहीं है और प्रधानमंत्री आवास जो है सबके घर में पहुंचा नहीं, जो गरीब है, अमीर में एक दो में पहुंच गया है, गरीब में ही नहीं पहुंचा है। अच्छा। इसीलिए हम कोशिश किए कि हम ये दावेदारी पेश करना चाहता हूं और जीत गए तो दिल खोल के काम करेंगे और निस्वार्थ सेवा करेंगे। हमने 70-80 लाइट लगाया पंचायत में जो कि हैलोजन जो कि कोई मुखिया ने लगाया, किसी ने आज तक नहीं लगाया 75 साल में, वो हमने लगाया। मंदिर मंदिर जाके ग्रिल लगाया और अभी भी हमारे अच्छा। और जो असूली होता है तो वो असूली करिएगा मुखिया बनने के बाद? सब खत्म हो जाएगा, हमारे आने के बाद सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पक्का पक्का पक्का, हमारे आने के बाद सबको विश्वास है। आप युवा है, युवाओं के लिए क्या करिएगा? गुजरात छोड़ के आए हैं अपना पंचायत का विकास करने। गुजरात छोड़ करके? जी। नौकरी क्या करते थे वहाँ? वो सब चलता रहेगा, वहाँ कमाई होता रहेगा। हाँ। और यहाँ पे विकास करना है। अच्छा, नौकरी छोड़ के आए हैं आप यहाँ पे? चुनाव छोड़ के नहीं आए, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट चलता है, अपना चलता रहेगा। अच्छा, कमाई होता रहेगा, यहाँ हम विकास करने आए हैं। गुजरात से आप आए यहाँ पे खगड़िया चुनाव लड़ने? जी। क्या नाम बताया आपने? चंदन। ठीक।